है, या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज भी हम इसे कह सकते हैं, है ना। तो जो कल मैंने कराया था वो अक्षर श्रृंखला था, लेटर सीरीज थी, वो लेटर सीरीज थी। आज अलग है, वो नंबर सीरीज की जगह वो लेटर सीरीज थी आपकी। इसमें आपकी क्या क्या टाइप बनने वाली है? फर्स्ट टाइप आपकी बनेगी ये कि अगर आपकी अल्फाबेट बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे के ऐसे लिखी हुई है, कि आपकी जो अल्फाबेट है वो ऐसे लिखी हुई है, और जो दूसरी टाइप है आपकी वो क्या बनेगी? अगर आपकी पूरी अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, ये कंप्लीट अल्फाबेट है, इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो फिर आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। थर्ड क्वेश्चन में ये किया गया है कि जो आपका फर्स्ट हाफ होता है, जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है, उसे रिवर्स ऑर्डर में किया गया है। फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट हाफ होता है आपका ये, यहाँ तक फर्स्ट हाफ होता है, उसको मैंने कंप्लीट जो है रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। फिर बाद में आपका जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या काम किया गया है? इसमें जो है फर्स्ट हाफ तो आपका रिवर्स है ही, फर्स्ट हाफ जो है वो तो आपका रिवर्स है ही, लेकिन साथ में मैंने यहाँ पे जो सेकंड रिवर्स है इसको भी, जो सातवीं टाइप आती है, सेवंथ टाइप है, सेवन टाइप में वो बोलता है आपसे कि हमें यहाँ पे केवल इवन नंबर वाली, ये सातवीं टाइप आपकी। और आठवीं टाइप में क्या है कि आठवीं में सब अलग अलग है, कहीं सिंबल आपको ले रखे होंगे, कहीं पे कुछ है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे सोल्व हो रखा है। तो आप चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो फर्स्ट टाइप है यानी कि ये आपके अल्फाबेटिकल हैं सेम ऐसे कैसे, फिर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है? देखिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अलग अलग है। हिंदी में तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ना है, बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें। तो बाएं क्या होता है? बाएं आपका यही होता है, ए जो होता है वो आपका बायां होता है, ए जो होता है वो आपका बायां होता है, उसको बोला जाता है बाएं यानी कि लेफ्ट साइड। और जो आपका जेड होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है राइट होता है, वो राइट साइड से होता है। उसके बाद बोला जा रहा है बाएं से दसवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, लेकिन यहाँ इंग्लिश के अंदर इसको आपका लिखा गया है एकदम लास्ट से। इस तरीके से आप पढ़ोगे कि जहाँ पे भी फ्रॉम लिखा होगा वहीं से स्टार्ट करना है। देखो हिंदी में तो शुरुआत से शुरू करना है, लेकिन लास्ट में जो लैंग्वेज है आपको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा कि फ्रॉम 10th फ्रॉम लेफ्ट साइड, कि लेफ्ट साइड से अगर हम दसवें अक्षर को देखते हैं तो वो कौन सा होता है? वो जे होता है। दसवें अक्षर पे क्या होता है आपका? जे होता है। उसके बाद बोला जा रहा है राइट, सेवन टू द राइट, यानी कि इसके दाएं सातवें हमें जाना है, इसके दाएं सातवां जाना है। एक दो तीन चार पांच छ और सात। तो अपना आंसर क्या आ गया? अपना आंसर आ गया क्यू। क्यों? इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं। हिंदी में कैसे लिखना है और इंग्लिश में कैसे लिखना है दोनों को मैं बता दूंगा कि देखो स्टार्टिंग में यहाँ 10 है तो 10 आपको लिख देना है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी कि बाएं से स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद क्या लिखा गया है? दाएं। दाएं कितना है? सात, यानी कि राइट। राइट यानी कि इस तरीके से। देखो इंग्लिश वालों को क्या करना है, आपको हमेशा जो ये आपका लास्ट में लिखा हुआ है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ स्टार्टिंग में लिख लेना है, बिल्कुल शुरुआत में लिखना है। उसके बाद जो लिखा हुआ होगा, इसके बाद जो ये लिखा हुआ है इसको फिर आपने ऐसे लिखना है, इसको फिर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, अब हमें इन दोनों का सॉल्यूशन चाहिएगा। यहाँ पे लेफ्ट लिखा है और ये राइट लिखा है, तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे एक येलो कलर वाले में लिखा हुआ है कि अगर राइट और राइट आया तो आपका माइनस हो जाएगा, और वो आंसर किस में आएगा? आपका राइट में आएगा। लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो आंसर किस में आएगा? लेफ्ट में आएगा। अगर राइट लेफ्ट होगा दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइट लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट राइट अगर होगा तो क्या होगा? लेफ्ट।
वो किस तरीके से है बच्चे? यहाँ पे बोला जा रहा है कि शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है इससे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका यही उतरेगा लेफ्ट, यानी कि बायां आपका सबसे पहले यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका लेफ्ट है, यहाँ पे आपका राइट है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 10+7 होगा। 10+7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। वो लिख दिया हमने यहाँ पे 17 लेफ्ट। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो लेफ्ट से आता है, तो हमें डायरेक्ट आंसर लिख देना है बस, कि लेफ्ट से कितना आ रहा है, 17। और 17 नंबर पे क्या होता है? क्यू। जैसे मैंने याद करवाया था, क्यू से क्या होता है? क्वीन। क्वीन खतरे की होती है, खतरा यानी कि 17। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है हमारा, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ए। आंसर जो आएगा हमारा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए। हाँ जी, काफी बच्चों ने आंसर भी दिया है, बहुत अच्छे। क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है बच्चे, काफी देर हो गई है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करो, आंसर निकालने की कोशिश करो, कैसे आपको सोल्व करना है। यहाँ पे लिखा जा रहा है 13 लेफ्ट, 13 बाएं, 13 बाएं यानी कि लेफ्ट। उसके बाद बोला जा रहा है राइट साइड से, यानी कि उसके राइट नोमा, उसके राइट कितना है? उसके राइट है नोवा। यहाँ पे बताया जा रहा है राइट 9। देखो वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको सोल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कहीं आप नोटबुक में ए बी सी डी ऐसा लिख करके बैठ जाओ और फिर आप सोल्व करने की कोशिश करो, वो तरीका आपका गलत है, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप सबको डायरेक्ट जो है आंसर यहाँ पे निकालने। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग ऑल। और इंग्लिश में कैसे था कि इंग्लिश में आपको यहाँ आखिरी से स्टार्ट करना है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा है 13 लेफ्ट लिखा है, तो 13 लेफ्ट लिखा है, तो वो 13 लेफ्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 9 राइट लिखा है, तो वो बच्चे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। जो ये स्टार्टिंग में लिखा होगा वही हमें यहाँ पे उतारना है। स्टार्टिंग में क्या लिखा है? बाएं यानी कि लेफ्ट। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट है, दोनों को प्लस करेंगे तो 13+9 करेंगे, 13 और 9 आपका कितना होता है? 13 और 9 होता है आपका 22। और 22 नंबर पे क्या होता है? वी होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है वी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर सबका। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही ध्यान से आप चेक करते रहो और आंसर देते रहो। सब बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, है ना? कोई नहीं, जो भी है, एक बार आंसर, दो बार या चार बार, जैसे भी आंसर दे रहे हो, लेकिन किसी को डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, बस आप आंसर अपने देते रहो। थर्ड क्वेश्चन में क्या काम किया जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है लेफ्ट। इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है? 17 लेफ्ट, तो हम यहां पे लिख देंगे 17 लेफ्ट, 17 बाएं। उसके बाद क्या है? 18वां, कि इसके 8वें लेफ्ट, इसके 8 लेफ्ट, इसका कितना लिखा गया है? 8 लेफ्ट लिखा गया है। ये आपसे यही बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से 17 जो है इसके लेफ्ट पे आना, यानी कि वापस पीछे आना है, और कितना पीछे आना है? हमें -8 जाना होगा। तो देखो दोनों जगह क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट, और लेफ्ट लिखा हुआ है, तो लेफ्ट माइनस क्या होगा? लेफ्ट ही होगा आपका आंसर। आपस में क्या होगा? माइनस हो जाएंगे ये दोनों। तो यहाँ पे क्या लिखा गया था? स्टार्टिंग में लेफ्ट लिखा गया था, तो हम यहाँ पे लेफ्ट उतार लेंगे। अब ये है 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। और 25 नंबर पे आपका क्या होता है? 25 पे होता है आपका वाई होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? आई आ रहा है। आई कैसे आ रहा है बच्चे? नहीं, वाई आएगा आंसर, तो आई नहीं आएगा गौतम, गलत है आपका आंसर, वाई आएगा। देखो यहाँ क्या है? 17 है। जब आप 17 में 8 प्लस करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 17 में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25। और बाएं ओर से 25वें नंबर पे क्या होता है? बाएं ओर से 25वें नंबर पे क्या होता है? वाई होता है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, सबके आंसर लाजवाब आ रहे हैं। वेलकम ऑल। गुरी जी आप हमारा नाम नहीं लेते, अरे मोहित गौतम भाई आपका ही तो नाम ले रहे थे अभी कि आपका आंसर गलत आ रहा है, आई आंसर नहीं आएगा, वही तो मैं बता रहा था आपको। लेफ्ट टू लेफ्ट है तो माइनस होगा, हाँ जी लेफ्ट टू लेफ्ट होगा तो माइनस होगा। तो हर एक बच्चा जो है एक ही बार मैसेज करे आंसर आता है, एक ही बार मैसेज करे है ना कि आपका आंसर आए, एक बार ही मैसेज करो, मैं मैसेज सबके रिपीट कर दूंगा, दिक्कत ना लो। अब इसमें क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, फोर्थ क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है सबको। इसमें क्या लिखा गया है, राइट लिखा गया है कि ये क्या बोला गया है, नाइन नाइन कितना है, राइट है, नौ दाएं आपसे बोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके बाएं बोला जा रहा है, वो कितना है, पांच है। फाइव लेफ्ट आपसे बोला जा रहा है, भाई ऐसा ही लिखा गया है इंग्लिश में, जो सबसे आखिरी में लिखा गया है उसे आप स्टार्टिंग में लिख लो, उसके बाद जो यहाँ लिखा है उसे आप यहाँ पे लिख लो। अब इन दोनों का सॉल्यूशन आना है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है राइट। अब हमें दाएं ओर से देखना है, अब हमें राइट साइड से चेक करना है। तो एक राइट है और एक लेफ्ट है, दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो नाइन प्लस फाइव हो जाएगा, वो कितना होगा, फोर्टीन होगा। तो यहां पे कितना आ रहा है आपका, 14 राइट। देखो ये राइट साइड से 14 हमें बताना है, लेफ्ट साइड से नहीं बताना है। जिस भी बच्चे का एन आंसर आ रहा है वो गलत है, जिस भी बच्चे का जो आंसर है वो यहां पे अगर आपका एन आ रहा है तो वो गलत आंसर है। देखिए राइट साइड से हमें चेक करना है, राइट साइड से जैसे कि हम नाइन्थ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ जेड लिखा है, जेड के बाद वाई है, फिर आपका एक्स है, फिर डब्ल्यू है, उसके बाद क्या है, वी है, यू है, टी है, एस है ना, इस तरीके से हम देखते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ऐसे ही आपका है। यहाँ से बोला जा रहा है कि राइट साइड से नौवे पे पहुंचिए, या राइट साइड से आपको जाना है कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौवे पे अगर हम पहुंच रहे हैं तो हम आर पे पहुंच रहे हैं, हम आई पे नहीं जा रहे हैं। हम जो आ रहे हैं किस पे आ रहे हैं, इस पे। तो जब कभी भी आपका आंसर राइट साइड से आए तो हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उसे 27 में से माइनस करना पड़ेगा। अब ये 27 कहाँ से आया, कि जब हम रैंकिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने इस टॉपिक को डाला हुआ है, अगर रैंकिंग अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होता है कि देखिए यहाँ तो राइट आया हुआ है। अगर हमें लेफ्ट के बारे में पता करना होगा तो क्या करते हैं कि टोटल में से हम राइट को माइनस कर लेते हैं और उसके अंदर हम एक प्लस कर देते हैं। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट इक्वल टू टोटल प्लस वन माइनस राइट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है कि टोटल अल्फाबेट होती हैं आपकी 26, और 26 जमा एक कितना होता है, 26 प्लस वन होता है 27। ये 27 आपका वहां से आया है। जब कभी भी आंसर आपका राइट से आए दाएं से आए उसे 27 में से जरूर माइनस करना है। अब 27 माइनस 14 कितना होगा, 13, और 13 पे क्या होगा, m। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा m। अब सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है गुरुजी। क्वेश्चन नंबर थ्री गलत किया है आपने। अरे कैसे गलत हो गया सर जी, आज तो समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। आएगा बच्चे, बिल्कुल आएगा, बस आप ऐसे ही सॉल्यूशन करते रहो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ना इस तरीके से, यहाँ पे ये राइट लिखा गया है तो आप ऐसे कैसे उतार दो, फिर ये बाएं लिखा गया है तो आप बाएं का बाएं ऐसे कैसे लिख दो, अब इन दोनों की कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं और एक्सप्लेन करता हूँ इनको, फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं एक बारी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि विच लेटर विल बी 7 to the right of 11th from right end। आपकी अल्फाबेट होती है ये कि ए बी सी डी ई, इस तरीके से हम कंटिन्यू चलते जाते हैं। फिर आपका होता है टी
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश में लैंग्वेज केवल और केवल आखिरी से ही पढ़ी जाएगी। इसने क्या बोला है, फ्रॉम बोला है कि दाएं ओर से ग्यारहवां अक्षर, यानी कि राइट साइड, राइट होता है यहाँ पे, इस राइट साइड से जो आपका इलेवंथ नंबर पे आएगा, इस राइट साइड से जो इलेवन नंबर पे होगा, तो इलेवन नंबर पे क्या होता है, वो होता है पी। उसके बाद बोला जा रहा है कि सेवन टू द राइट। अब इसके भी हमें राइट साइड चलना है, इसके भी राइट साइड चलेंगे तो हम इसी तरफ चलेंगे। कितना राइट चलना है हमें, सात राइट चलना है, सेवन राइट चलना है। तो देखो ये राइट साइड से खुद कितने नंबर पे है, ये खुद राइट साइड से 16 पे है, माइनस सेवन और कर देंगे आपका आंसर वापस से पीछे की ओर चले जाएगा। तो ये राइट साइड से कितने पे, 11 पे है, सॉरी 11 पे है राइट साइड से, इसमें सेवन हम और माइनस कर देंगे तो ये पीछे की तरफ चले जाएगा। और हिंदी में भी आपका क्वेश्चन इसी तरीके से है, हिंदी में इसको शुरुआत से पढ़ना है, यानी कि यहाँ से दाएं से ग्यारहवां अक्षर, यानी कि राइट साइड से, यहाँ से जो हमारा ग्यारहवां अक्षर होगा वो अपना क्या होगा, पी। फिर क्या बोला जा रहा है, इसके भी दाएं कौन सा अक्षर होगा, अब इसके भी दाएं चलना है तो इसके भी दाएं चलना होगा, वापिस पीछे आना होगा, तो इसमें से मुझे सात माइनस करना पड़ेगा तब अपना आंसर आएगा। अब लिखने का क्या तरीका है, देखो इंग्लिश में तो कैसे लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है ऐसे, कैसे, इसने लिख दिया 11 दाएं तो आप लिख दो 11 दाएं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दाएं सात तो आप लिख दो दाएं सातवां, इस तरीके से लिखना है। और जो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में जैसे कि आपका लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट से पढ़ना है हमेशा, आखिरी में 11 जो लिखा हुआ है तो वो आपको ऐसे शुरुआत में लिख देना है कि आपको जो है ये आखिरी वाला जो है शुरुआत में लिख देना है ऐसे। उसके बाद ऐसे ही रिवर्स में आप पढ़ो, रिवर्स में जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ एक सात राइट नजर आएगा, उस सात राइट को उठा करके आप यहाँ पे रख दो बस। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे राइट आए तो आपको हमेशा जो है 27 में से माइनस करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा अगर सॉल्यूशन आपका राइट साइड से आता है तो 27 में से माइनस करेंगे। अब ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो राइट और राइट आपस में माइनस हो जाएगा, 11 में से कितना है 7 घट जाएगा, जब 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब हमें 27 में से 4 माइनस करना है, वो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 नंबर पे क्या होता है आपका W होता है, ऐसे आंसर आएगा। अब मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छे से क्लियर समझ आ रहा होगा, बाकी आप कमेंट करके बताइए जहां पे आपको मिस्टेक लग रही है तो जरूर कमेंट करके बताइए। नोब गैंग, थर्ड क्वेश्चन को चेक करते हैं डियर, थर्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से वहां पे तो सही था, बोला गया था कि 17 लेफ्ट था और 8 लेफ्ट था, आपस में माइनस हो जाएंगे। अच्छा अच्छा हाँ जी बिल्कुल सही, थर्ड क्वेश्चन सही बताया, थर्ड जो क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था कि लेफ्ट और लेफ्ट तो आपस में माइनस होंगे, लेफ्ट और लेफ्ट तो आपस में माइनस होंगे, कि 17 में से क्या है ना 8 माइनस होगा, बिल्कुल अब सही था। तो फिर आपका कितना आएगा 9, और 9 पे क्या होता है आई, हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सॉरी सॉरी ये तो गलत हो गया था। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन को चेक करते हैं, या फिर मैं इनकी आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं, एक दो क्वेश्चन की और हम प्रैक्टिस करते हैं एक बारी। देखिए अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो इस तरीके से, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि अगर लिखा हो आपको कि 15 लेफ्ट और फिर लिखा हो आपको 5 राइट, इंग्लिश में तो क्वेश्चन आपका कैसे है कि विच लेटर विल बी कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट साइड, इंग्लिश में तो क्वेश्चन ऐसे है। अब इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके आप सब बताओ, इस क्वेश्चन को समझो कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम एक बार यहाँ पे सोल्ट वाले में ट्राई करते हैं फिर अगली वाली टाइप पे चलेंगे। तो एक बार इसको सोल्व करके बताओ, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताओ क्या आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या काम करना है आपको,
यहाँ पे लेफ्ट लिखा गया है तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट प्लस हो जाएगा राइट। तो 15 और 8 को आप जो 15 और 5 को आप जोड़ दो वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 पे क्या होता है आपका टी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। अगर यहाँ पे लिखा जा रहा है 15 लेफ्ट और लिखा जा रहा है आपका 5 लेफ्ट, तो क्या आंसर आना चाहिए? लेफ्ट राइट, बच्चे यही क्लियर करा रहा हूं, लेफ्ट राइट देखो यहीं पे आपका क्लियर करा रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे लिखा होगा, सेकंड वाले क्वेश्चन को उसको ऐसे लिखा होगा कि विच लेटर विल बी कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट साइड। हिंदी में ऐसे होगा कि बाएं ओर से पांचवें अक्षर के बाएं पांचवा कौन सा अक्षर होगा, उसी के बाएं चलना होता है हमें। अब आपको सॉल्यूशन ऐसे ही करना है कि ये क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट है, तो यहाँ पे हम उतारेंगे लेफ्ट, फिर क्या है लेफ्ट, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि 15 में से 5 चले जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 10, और 10 नंबर पे क्या होता है आपका, जे होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। एक लास्ट थर्ड क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करो, फिर हम राइट साइड से चलना शुरू करेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे 8 लेफ्ट और यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 राइट, अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? देखो प्लस माइनस कब करना है, अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ लेफ्ट लिखा है और ये राइट लिखा है, तो लेफ्ट और राइट होगा तो प्लस होगा, चाहे आपका राइट लेफ्ट हो तब भी प्लस होगा, लेकिन अगर दोनों सेम हुए जैसे कि यहाँ पे सेकंड वाले में है आपका लेफ्ट और लेफ्ट है, तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस, और अगर राइट राइट होगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, टी आंसर आएगा, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं टी। पहलवान जी, मंजी डागर, नोब गैंग, संजू कौशिक, हर्ष खर्ब, पहलवान जी, अंशु डागर, शिवानी शर्मा, बहुत अच्छे, मंजीत डागर, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, हंसिका वर्मा। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका आंसर कहाँ से है, लेफ्ट से, तो आप लेफ्ट लिख दोगे, 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20, अगर लेफ्ट साइड से आपका आंसर है तो आंसर क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं राइट साइड वाले क्वेश्चन, जितने भी आपके राइट साइड वाले क्वेश्चन बनते हैं उनमें क्या करना है, जो 27 वाला यूज हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे मैंने लिखा 10 राइट और 5 लेफ्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करो, फोर्थ वाले का क्या आंसर आएगा। जब आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आएंगी, पहले हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अंजलि चौधरी बिल्कुल सही आंसर है, हंसिका वर्मा बिल्कुल सही आंसर है, शिवानी शर्मा बिल्कुल सही है, ज्योति राठी बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे लाजवाब आंसर आ रहा है सबका। तो देखो क्या करना है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, आपका राइट लिखा गया है, कि आपका क्या लिखा गया है, राइट लिखा गया है। अगर आपका आंसर राइट में आता है तो आपको उसे 27 में से माइनस करना होगा। तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो 10 + 5 कितना होता है, 15 होता है, तो 27 में से 15 माइनस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 12, और 12 पे क्या होता है, L होता है, इसका आंसर हो गया L। वो आंसर नहीं होगा पहलवान जी, वो आंसर नहीं होगा अंजलि चौधरी, वो आंसर नहीं होगा। देखो ये राइट से शुरुआत कर रहा है, दाएं से शुरुआत कर रहा है, और दाएं के लिए हमें 27 का यूज करना पड़ता है। अगर आपको अपोजिट याद हो, अगर आपको अपोजिट याद हो तो डायरेक्ट आप 15 का अपोजिट कर दो, ठीक है, अगर आपको अपोजिट याद है तो आप डायरेक्ट उसका अपोजिट कर दो, 27 का भी यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। यहाँ पे मैंने लिखा 13 राइट और 9 लेफ्ट, बताइए क्या आंसर होगा। अच्छा जी एल, हाँ भाई एल, लव जो मैंने लिखवा ना, एल ओ वी। 15 पे क्या होता है, ओ होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, ऐसे
कि लो कर लो बात वो वाला है ये। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, बहुत अच्छे, ट्राई करो। हाँ जी, इसमें क्या करना है, आंसर कहाँ से आ रहा है, राइट से आ रहा है, तो क्या करना होगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा। ये 13 है और ये 9 है, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 13 + 9 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 27 में से 22 आप माइनस कर दो, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, तो वी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, सॉरी, ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ई आंसर आएगा, वी नहीं आएगा, ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सबके आंसर सही है। अंशु डागर, अभिषेक बुलारा, हाँ जी बुलारा, कल तो लकी बुलारा थे, आज अभिषेक बुलारा है। चलिए भाई, नोब गैंग, मंजीत डागर, पहलवान जी, शिवानी शर्मा, हर्ष करब, पहलवान जी, सब बच्चों के आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। दो क्वेश्चन और लेता हूं मैं, फिर चलेंगे अपना अगली टाइप पे, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, यहीं पे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाए। अब जैसे कि मैंने लिखना है यहाँ पे, एट राइट और फोर राइट, दोनों राइट है, ध्यान रखना है बस। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बस आप मेहनत करते रहा करो, डेली पढ़ा करो, जितना आप संघर्ष करोगे अपनी लाइफ में उतना ही आपको अचीवमेंट मिलेगी। अगर आप डेली सात सात आठ आठ घंटे पढ़ोगे, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 1 घंटे जो मैं रीजनिंग आपको कराता हूँ, 1 घंटे से ऊपर चल जाती, उसको दोबारा पढ़ लिया करो या फिर उसी की प्रैक्टिस किया करो, वही आपके लिए काफी है। हाँ जी आंसर आ रहे हैं चलिए, राइट है तो आंसर किस में आ रहा है, राइट में आ रहा है। अगर आंसर राइट में आएगा तो क्या होगा, 27 में से माइनस होगा, ये 8 है और ये 4 है, 8 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 27 में से 4 गया तो कितना आया, 23, और 23 पे आपका क्या होता है, 23 पे होता है आपका W। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारा W हो गया। सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही आ रहे हैं, मंजीत डागर, मेंका मेरा, ज्योति राठी, पहलवान जी, अंशु डागर, संजू कौशिक, मेंका मेरा, बिल्कुल सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन फाइनल देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 17 राइट और फिर लिखते हैं 5 राइट। सातवां क्वेश्चन और चेक करो एक बारी, क्या आंसर आ रहा है। फिर जितने भी, हाँ जी कुंदन चौधरी, बहुत अच्छे, वेलकम ऑल, हर्ष कर्ब, W आंसर, बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर, शिवानी शर्मा, ई आंसर आ गया है। चलिए चेक करते हैं कैसे आ रहा है, कि यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका राइट आ रहा है, तो 27 में से माइनस करेंगे तो ये 17 है और ये 5 है, दोनों क्या है, राइट राइट है, तो माइनस होगा। 17 में से 5 माइनस चले जाएगा, वो कितना बचेगा, 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओ, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओ, 15 पे होता है ओ। पहला आंसर ज्योति डागर, पहला आंसर जो है ज्योति राठी, दूसरा आंसर है मंजीत डागर, तीसरा अंशु डागर, चौथा हर्ष खराब है, पांचवा HR पबजी किलर, किलर विलर भी आ गए बहुत बढ़िया भाई। छठे पे पहलवान जी, सातवें पे मेंका मेरा, मेंका मेरा 15 होगा वहां पे, चलो कोई नहीं, हाँ उन्होंने सही लिखा है, मैं समझ गया, लेकिन ठीक है। बाकी पहलवान जी, अभिषेक भलारा, पहलवान जी, कुंदन चौधरी, ई आंसर नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे ओ आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल में आप लास्ट में कहीं चल रहे हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं, जो हमने यहाँ पे अब तक पढ़ा है उसको स्टार्ट करते हैं। ये था आपका अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, यही था आपका वो 7th 5th क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई करो और आंसर बताने की आप कोशिश करो, फिर हम 6th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 5वें क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करने की कोशिश करो, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था उनके लिए। तो देखो इंग्लिश में तो आपको यहाँ आखिरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा लिखा हुआ आ गया, इंग्लिश में तो आपको यहाँ आखिरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा कि 11 क्या है, 11 राइट है,
फिर यहाँ से शुरुआत करना है आपको सात राइट, ऐसे लिखना है। ये क्वेश्चन लिखने का ये तरीका है, और हिंदी में हम ऐसे ही लिख रहे थे कि ये 11 दाएं लिख दिया और ऐसे लिख दिया, हिंदी में तो शुरुआत से लिखते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आया था, ये राइट आया। माइनस करेंगे 27 में से, 11 में से 7 गया 4, तो 4 माइनस कर देंगे, आंसर आपका 23, और 23 आंसर क्या हो गया, W। इस तरीके से आपका आंसर आ रहा था। सिक्स क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करो कैसे आपका सोल्व होना है। अब थोड़ा सा हम अल्फाबेट से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें कैसे लिखा हुआ है, इसने लिखा है 16 राइट, भाई यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी वालों के लिए शुरुआत में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा गया है, 16 लेफ्ट लिखा गया है, तो 16 लेफ्ट हो गया आपका यहाँ पे। इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन कहाँ से आना चाहिए, राइट से आना चाहिए। तो कितने में से आप माइनस करोगे, 27 में से आप माइनस करोगे। अब इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है, इन दोनों का टोटल आ रहा है 32, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 32, 16 और 16 को जोड़ते हैं तो 32। सबसे पहली बात, टोटल अल्फाबेट हमने आज तक, कि जब हम यहाँ पे LKG UKG क्लास में पढ़ते थे और 12th तक हम पढ़ते आए, हमने ग्रेजुएशन भी कर ली, अल्फाबेट केवल यही सुना था कि A to Z होती हैं। ऐसा किसी ने मेरे ख्याल से ना सुना हो कि जेड के बाद ए होता है, तो वो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में हम और तरीके से समझेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका टोटल जब कभी भी ऐसे 32 बनता है, यानी कि 26 को क्रॉस करके आपका बनता है, अगर ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन लिखा गया है, तो आंसर केवल वही होगा, कैन नॉट डिटरमाइन ही होगा, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट आंसर है सबका कि इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उस चीज को आप इस तरीके से समझो जैसे कि आपकी लिस्ट लगी है, कि आपकी जो लिस्ट लगी है आपकी इंस्पेक्टर की लिस्ट लगी है, और आपकी पोजीशन क्या आ रही है, आपकी पोजीशन आ रही है फर्स्ट, आपकी पोजीशन आ रही है फर्स्ट। यहाँ पे लिस्ट कितने बच्चों की लगी है, 26 बच्चों की लिस्ट लगी है। क्या मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे तो आपकी फर्स्ट रैंक नहीं है, आपकी तो 27वीं रैंक है। एकदम से हो रहा है कि अरे सर पहली रैंक लानी बहुत मुश्किल होते हैं, और फिर आप उसे 27वीं रैंक बोल रहे हैं, ये गलत है। तो ये गलत है, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि कैन नॉट डिटरमाइन ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं दे रखा होता कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन गिवन नहीं होता, तो हम अपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते, वो हम यहाँ पे कर रहे थे कि राइट आया तो 27 में से घटाना पड़ेगा 32, तो माइनस करेंगे, कितना माइनस आ रहा है, माइनस का कितना आ रहा है 5। टोटल अल्फाबेट कितनी होती है, टोटल अल्फाबेट कितनी होती है, टोटल अल्फाबेट आपकी कितनी होती है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। टोटल अल्फाबेट होती है आपकी 26, भाई टोटल अल्फाबेट कितनी होती है 26, और 26 में से जब आप 5 घटा दोगे तो कितने पे आ जाओगे, आप 21 पे आ जाओगे, और 21 पे क्या होता है U। तो अगर वैसे हम आंसर देते तो इसका आंसर U आता, इसका जो है आंसर क्या आता, U आता, कि यही तो बोला गया है आपसे कि राइट साइड से आप 16वें अक्षर पे पहुंचो, इसके भी और 16 अक्षर आप आगे की तरफ जाओ, और 16 अक्षर आपको जाना है, और 16 तो आप जा नहीं पाओगे। मेरे ख्याल से आप 11 तक जाओगे तो आपका क्या आ जाता है, फिर आपका A आ जाता है। अब वापिस से फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर X आएगा, सेम ऐसे ही फिर आपका W होगा, फिर V होगा, और फिर क्या होगा, U होगा। तो अब यहाँ से आपको कंटिन्यू चलते हुए जाना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका ये 10वें नंबर पे था, सॉरी 10वें नंबर पे क्या है, ए है, फिर आपका जो 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से आएगा, कि जब यहाँ पे राइट साइड से आपका 16वें नंबर पे उसके 10 और आते हैं तो आपका ए आएगा, 11 पे ये हो जाएगा, 12 पे ये हो जाएगा, 13 पे, फिर ये 14वें पे, ये 15वें पे, और 16वें पे, 16वें पे आंसर आपका क्या आता है, यू। इसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है। हाँ जी, अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता तो हम ऐसे ही सोल्व करते। जैसे कि अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है 7th क्वेश्चन, उसको हम ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कैन नॉट डिटरमाइन आपको गिवन नहीं है, तो विदाउट कैन नॉट डिटरमाइन के ही हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सब बच्चे बहुत बढ़िया, काफी बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस आप ऐसे ही पढ़ते रहो,
कि आपको एक दिन ऐसा रुतबा हासिल करना है बहुत बढ़िया वाला, और इस साल बच्चे बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर तो बहुत पहले आ गया था, डीएसएसबी का आपका कैलेंडर जो है वो भी बहुत पहले आ गया था। यूपी पुलिस वालों के लिए लेखपाल की जो यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, बहुत लाजवाब वैकेंसी आ रखी है यूपी वाले बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है ये, बस आप तैयारी करते रहो। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपकी झोली में बहुत सारी वैकेंसी वो डाल के जाएगा। अगर आपने इस साल कोई एग्जाम क्रैक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, अगर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में आपको सिलेक्शन लेना। बस आपको कोशिश यही करनी कि इसी साल आपको सिलेक्शन लेना है, हर हालत में आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी मैं आप सबके साथ हुई, मैं अपना रीजनिंग का सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं अटकेगा। देखो इस वाले में क्या बोला गया है, 15 लेफ्ट है और फिर बोला जा रहा है 15 राइट बोला जा रहा है, तो अगर आपका आंसर लेफ्ट से है तो किसी 27 का यूज नहीं करना है। तो 15 और 15 आपका कितना होता है, 15 और 15 होता है 30। टोटल अल्फाबेट कितनी होती है, 26 होती है। 30 में से 26 गया, कितना बचा, 4, और 4 पे क्या होता है, 4 पे होता है आपका डी आंसर। जब कभी भी आपका आंसर किस में आए, लेफ्ट में आए, तो उसमें से 26 को माइनस करना है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा डी आपका। बच्चे डी आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा कि 15 और 15 30 होता है, 30 में से 26 माइनस कर देना है। जैसे कि हम यहाँ से लेफ्ट साइड से 15 नंबर पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 नंबर पे आपको ओ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे और यहां से हम 15 नंबर पे जाएंगे, 15 नंबर पे अपने को जाना है, ठीक है। कि अगर मैं जेड तक गया, अगर मैं जेड तक गया तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 11 नंबर पे। उसके बाद आपका क्या आएगा, ए, फिर होगा बी, फिर आपका सी, और फिर होगा आपका डी। कि हमें 15 तक जाना है तो 15 नंबर पे क्या है, डी है, और 11 नंबर पे क्या है आपका, जेड, 12 नंबर पे ये, 13 नंबर पे ये, 14 नंबर पे ये, और 15 नंबर पे आपका होगा ये, है ना। इसी तरीके से हम पहुंचते जा रहे हैं, बिल्कुल लाजवाब आंसर आ रहे हैं सबके, बहुत अच्छे, है ना। कि 15 को हमने किस तरीके से बांट लिया है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। आप भी प्रे कीजिए सर सभी स्टूडेंट सिलेक्शन हो जाए कंपटीशन में। देखो मेरी दुआएं तो आपके साथ हमेशा ही रहेंगी, कि मैं तो खुश तभी होता हूँ जब आपका सिलेक्शन हो, तो बहुत खुशी मिलती है जब किसी का सिलेक्शन होता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है। आप सबके सिलेक्शन के लिए ही तो मैं इतना सारा कष्ट कर रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे प्यारे बच्चों। मैं सुबह से ही ये सारा टाइप करना स्टार्ट कर देता हूँ, एक एक क्वेश्चन को बड़ी समझ से टाइप किया जाता है, कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ करके आपके ये सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको कहीं पे किसी बुक में भी कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस आपकी इतनी करवा दी जाएगी। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये सारे आपके नज़दीक वाले पेपर के हैं, यूपी पुलिस एसआई से भी मैंने क्वेश्चन बहुत सारे निकाले हुए हैं, हालांकि इस टॉपिक के नहीं है, इस टॉपिक में नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने कराया था यूपी पुलिस के क्वेश्चन उसमें थे, यूपी एसआई के आपके क्वेश्चन थे, पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन मैंने कराया उसमें थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं। और वो सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे वो सब लेटेस्ट हैं, सब लेटेस्ट हैं, 2020 के बाद के हैं। 2020 से पिछला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर ले ही नहीं रखा, 2019 का कोई क्वेश्चन नहीं ले रखा, सब लेटेस्ट ले रखे हैं, 2018 के, 17 के, 18 के, 19 के। ऐसे क्वेश्चन जो है अपने 100 में से केवल आपके 40% ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 17, 18 और 19 वाले में से ले रखे हैं, लेकिन जो 60% जो आपके क्वेश्चन है वो इस तरीके के वाले क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश हम करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि 6 लेफ्ट बोला जा रहा है, फिर आपको कितना बोला जा रहा है, 10 लेफ्ट बोला जा रहा है।
तो ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, आंसर तो आना है लेफ्ट से क्योंकि ये लेफ्ट से शुरुआत कर रहा है। अब भाई 10 में से 6 माइनस करना है आपको, 6 माइनस 10 करना है तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, माइनस का 4 आ रहा है। कितना आ रहा है वो, माइनस का 4 आ रहा है। और टोटल अल्फाबेट होती कितनी है, टोटल अल्फाबेट तो 26 होते हैं, 26 में से आप 4 माइनस कर दो तो फिर आपका कितना आएगा 22, और 22 पे क्या होगा V, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड से आपको क्या बोला जा रहा है कि इसने बोला A B C D E F, छठे नंबर पे क्या आता है आपका F आता है। यहां से 10 नंबर पे स्टार्ट कर दो कि ये 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, फिर 10वें नंबर पे हमें जाना है। तो A से पहले क्या होता है जेड, जेड के बाद क्या होता है वाई, वाई से पहले होता है एक्स, एक्स से पहले होता है डब्लू, और क्या होता है वी। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, वी। तो डियर स्टूडेंट वो वी आंसर आपका इस तरीके से आ रहा है, बस हमें ये तरीका अप्लाई नहीं करना है। इस तरीके के लिए ही तो मैं आपके लिए इतना सारा संघर्ष कर रहा हूँ। हाँ जी, अब बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहे हैं सबके। नाइन्थ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, नाइन्थ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर आ रहे हैं सबके। ज्योति राठी, अंशु डागर, पबजी किलर, शिवानी शर्मा, अभिषेक भलारा, हंसिका वर्मा, मेंका मेहरा, बहुत अच्छे लाजवाब आंसर आ रहे हैं सबके। नितिन शर्मा, गुरुदेव नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। भावना, बहुत अच्छे लाजवाब आंसर, आंसर दो, आंसर देना जरूरी है चाहे आपका गलत आंसर ही क्यों ना आए। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है W, चेक करते हैं। भावना का पहला आंसर आ रहा है 4 यानी कि W। देखिए क्या बोला जा रहा है, 6 राइट बोला जा रहा है, फिर कितना है 10 राइट है। देखो ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर राइट में आया, आंसर राइट में आया तो आपको 27 में से माइनस करना होगा हर हालत में। अब इसको सोल्व करते हैं कि 6 में से जो है 10 माइनस होगा, हमेशा इसी में से कैलकुलेशन होगी, हमेशा इसी में से कैलकुलेशन होगी आपकी कि 6 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा आपका, माइनस का 4 होगा। ये पहले ही माइनस है, अब एक और माइनस आपके सामने आ गया है, तो माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कि 27 प्लस 4 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 31, वो कितना हो जाएगा 31। और टोटल अल्फाबेट आपकी कितनी होती है, टोटल अल्फाबेट तो केवल 26 ही होती है, 31 में से 26 माइनस कर दो, कितना बच गया 5। यहाँ पे कितना आ रहा था, इसने माइनस किया तो यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 पे तो ई आंसर होना चाहिए अपना, तो ई आंसर आना चाहिए। देखिए राइट साइड से आपको कितने पे जाना है, 6 पे जाना है, राइट साइड से 6 पे जाना है। ये आंसर केवल बहुत कम बच्चों का आ रहा है, ज्योति राठी का आंसर है दूसरे, पहले ज्योति राठी का आंसर है, दूसरा मंजीत डागर है, तीसरा शिवानी शर्मा है, आकाश डागर गुड इवनिंग भाई, तीसरे पे शिवानी है, चौथे पे आकाश, चौथे पे अभिषेक बुलारा है, पांचवें पे नोब गैंग है, छठे पे हर्ष करब है, सातवें पे अंशु डागर है, सातवें पे मेंका मेहरा है, आठवें पे अंशु डागर हैं। चलिए ई आंसर मेरे ख्याल से अब सबको समझ आ रहा होगा। देखिए किस तरीके से है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि राइट साइड से छठे पे, राइट साइड से छठे पे यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे पे आपको पहुंच जाना है। इसके बाद आपको और भी राइट चलना है, इसके राइट चलना है 10 की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखो यहां तक आप आए थे तो ये तो था जेड, अब ये क्या है, ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, और ये लास्ट वाला क्या है, ई है। तो इस वजह से अपना आंसर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। बस ऐसे ही आप सबको ध्यान रखना होगा, मेरा ई आया था फिर डिलीट कर दिया मैंने नहीं डिलीट नहीं करना है बच्चे। देखो ये सारे के सारे अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, सबके आंसर आप बताने की कोशिश करो, 10th क्वेश्चन, 11, 12, 13 सबके क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश करो, आपकी और भी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। 10th क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो, फिर 11th, फिर 12th और फिर 13, फिर सबको एक साथ सोल्व करेंगे। बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है आज पढ़ा करके, सब बच्चे जुड़ रहे हैं,
मोटिवेट आपको होते रहना है, डेली पढ़ाई करो, एक टाइम टेबल आप अपना बना लो। टाइम टेबल ऐसा नहीं कि सुबह आपको 5 बजे उठना है, रात को आपको 12 बजे सोना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक टाइम टेबल ये है कि जो 1 घंटे की आपकी रीजनिंग की क्लास यहाँ और ये वो लेनी है। इसी के साथ आपको ये आपको केवल 30 मिनट की और प्रैक्टिस आपको करनी है रीजनिंग की, जो मैंने पढ़ा है वो केवल 30 मिनट आपके लिए काफ़ी है। फिर आते हैं मैथ पे। मैथ आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, हर हालत में पढ़ना पड़ेगा आपको, 2 घंटे जीके पढ़ना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं। फिर आता है आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट। जिस भी बच्चे के एग्जाम में इंग्लिश आता है और उसे इंग्लिश कम आती है तो 2 से 3 घंटे उसे पढ़ना पड़ेगा हर हालत में। स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या फिर कोई और एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश बहुत कम आती है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस रखना है जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा बने। अगर आप SSC की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश आपको नहीं आती तो आपको SSC को भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इंग्लिश SSC पॉसिबल नहीं है। आंसर आ रहे हैं मंजीत डागर, 10th का क्या आएगा? 10th का आंसर आ रहा है T। चलिए, ज्योति डागर का आंसर 10th का आ रहा है D। पबजी किलर का आंसर आ रहा है B। अपने ऑप्शन भी बन रहे हैं साथ के साथ, D आंसर है। 10th का आंसर क्या आ रहा है? C। चलिए चेक करेंगे, D आ रहा है। अब 11th पे पहुंचते हैं, 11th में आंसर आ रहा है V। अंशु डागर का V आंसर है, ज्योति राठी का W आंसर है, पिछले वाले में बहुत बच्चों के आंसर आए, लाजवाब आंसर आ रहे हैं। मंजीत डागर का 12 का U आ रहा है, 12 का U आ रहा है, और U ही 13 का आ रहा है। यू का बात हुई भैया अच्छा सब मिट गया हो, चलो कोई नहीं। अब करते हैं इन सबको सोल्व, इन सबको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आपके बनेंगे। तो देखो, इन दोनों को सोल्व करना है, आंसर कहाँ से आना है? आंसर आना है लेफ्ट से, ठीक है, आंसर आना है लेफ्ट से। 16 और 14 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 में से 26 माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल अल्फाबेट ही 26 होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा D। और 10वें का D आंसर किसका था? ज्योति राठी का था, अंशु डागर का था और हर्ष खर्ब का था। इन बच्चों का आंसर बिल्कुल लाजवाब आंसर था। अगले वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे राइट आ रहा है। अगर राइट आएगा तो आपको 27 में से माइनस करना होगा। अब 16 और 4 ये कितना होता है? 30 होता है। 30 इक्वल टू में आपका कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। टोटल अल्फाबेट कितनी होती हैं? 26 होती हैं। 26 में से 3 चले जाएगा तो कितना बचेगा? 23 बचेगा। और 23 पे क्या होता है? W। 11वें का W आंसर किस किस का था? मंजीत डागर का W आंसर था, उसके बाद ज्योति राठी का W आंसर था, हंसिका वर्मा का W आंसर था, बहुत अच्छे, लाजवाब, शिवानी शर्मा का W आंसर है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरा ना आया भैया, कोई नहीं, अभिषेक भलारा आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, आएगा क्यों नहीं, आंसर जरूर आएगा। देखिए लेफ्ट से है, लेफ्ट से है, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो क्या होगा? माइनस होगा। और 10 - 15 कितना होगा? माइनस का 5 होता है आपका, माइनस का 5, तो यहाँ कितना होगा? माइनस का 5 होगा। टोटल अल्फाबेट कितनी होती हैं आपकी? केवल 26 होती हैं। 26 में से 5 चले जाएगा, कितना बचेगा? 21 बचेगा। और 21 पे क्या होता है? U आपका आंसर होगा। तो U आंसर किसका आ रहा है? U आंसर आपका, काफ़ी बच्चों का आंसर आ रहा था U भी, हाँ, मंजीत डागर का U आंसर है, ज्योति राठी का U आंसर है, शिवानी शर्मा का U आंसर है, बहुत अच्छे लाजवाब आंसर है। सर देयर इज अ लिटिल डाउट, व्हेन एवर दिस इज एक्सीड ऑफ 27 व्हेन वी डायरेक्ट माइनस इनटू 26। देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, अगर ये 26 से ऊपर आए, क्योंकि टोटल अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जो है टोटल अल्फाबेट कितनी होती हैं आपकी? 26 होती हैं। और हमें इस 27 का यूज कब कब करना है? इस 27 का यूज तब करना है जब अगर आपका आंसर ऐसे राइट में आ रखा हो, आपका आंसर यहाँ स्टार्टिंग में ऐसे राइट लिखा हो, तो आपको 27 में से माइनस करना होगा। जैसे कि ये 30 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ राइट गिवन है तो आपको हमेशा, चाहे वो 26 से आपका कैलकुलेशन ज्यादा जाए या ना जाए, लेकिन अगर आंसर राइट में है तो आपको 27 में से तो माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट आप हमें याद नहीं है, अगर अपोजिट याद हो तो ये 27 का भी यूज़ बंद हो जाएगा।
इसमें भी कैसे ही है कि 10 माइनस 5 का 15 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा आपका, तो माइनस का 5 यहाँ लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 32 में से अब 26 घटा लेंगे कि 32 माइनस 26 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6 पे क्या होता है F होता है। हाँ जी, तो F आंसर किसका आ रहा था, अच्छा 13 पता नहीं 13 F, सॉरी सर, मंजी डागर F आंसर है, ज्योति राठी F आंसर है, बिल्कुल सही जी। अगर देखिए जब कभी भी अगर 26 से प्लस पे जाता है, 26 से प्लस पे कोई कैलकुलेशन आती है डायरेक्ट आप उसे 26 से माइनस कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूँ, अगर आपका कोई माइनस में आता है जैसे कि माइनस आया 3, माइनस आया 5, माइनस आया 9 ठीक है, या फिर माइनस आया 10, अगर आपके आंसर ऐसे माइनस में आते हैं तो आप इन सब को 26 में से माइनस कर लो, ऐसे इन सब के सामने 26 रख दो, सबके सामने 26 आप पुट कर दो। सिंपल सा काम हमें यही करना है कि 26 में से 3 माइनस कर दो, 26 में से 5 माइनस कर दो, 26 में से 9 माइनस कर दो, 26 में से 10 माइनस कर दो, जब ये लेफ्ट में हो जाए, मैं तब की बातें कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये 26 से ज़्यादा हो, देखिए यहाँ पे अगर प्लस का आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला साइन हो जाएगा कि प्लस का जो 3 आ रहा है तब भी आपको माइनस ही करना है, इस तरीके से ही सोल्व होना है। अगर आपकी कैलकुलेशन जो है, अगर आपकी कैलकुलेशन आती है 27, अगर कैलकुलेशन आती है 29, अगर कैलकुलेशन आती है 30, अगर कैलकुलेशन आती है हमारी 35, तो हमें अब 26 इसमें से माइनस करना है, अब हमें इसमें से 26 माइनस करना है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। बस इस तरीके से हमारे सॉल्यूशन आने चाहिए कि 27 में से माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 पे क्या होता है ए होता है, माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 पे क्या होता है बी होता है, माइनस करेंगे 4 पे क्या होता है डी होता है। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करते रहने, 5 4 9 आई आ जाएगा, है ना, बहुत अच्छे। अब आता है अपना 14th क्वेश्चन अलग है। अब यहाँ में हमें बताना है कि एग्जैक्टली बिटवीन हमें क्वेश्चन निकालना है कि इनके ठीक बीच में, बिल्कुल ठीक बीचों बीच हमें बताना है। जैसे कि बोला जाए कि आपका ऐसे लिखा है कि ए बी सी डी ई और एफ ठीक है, और साथ में फिर लिखा है जी। आपसे बोला जा रहा है कि ए के और जी के बीच में कौन सा अक्षर है जो बिल्कुल ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो ए और जी के बीच में बताना है। तो ए और जी के बीच में बी तो होगा नहीं, इसी तरीके से एफ भी नहीं, सी नहीं होगा तो ई भी नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। लेकिन हमें ऐसे लिखना नहीं है, बिना लिखे आंसर निकालना हो तो आपका आंसर कैसे आएगा। देखिए कि ये लेफ्ट साइड से ए कितने पे था, 1 पे था, जी आपका कितने पे था, 7 पे था, दोनों को प्लस कर दो, 2 से आप डिवाइड कर दो, 1 + 7 / 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 नंबर पे क्या होता है प्यारे बच्चों डी होता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। बोला जा रहा है कि 4 लेफ्ट है और कितना है 16 आपका लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है। अब आपको इंग्लिश में शुरुआत से पढ़ना है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन में, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। इन दोनों को कर दो आप प्लस, 2 से कर दो डिवाइड, दोनों को प्लस करोगे 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपका जे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर, उड़ा दो क्वेश्चन को। ज्योति राठी जे, नोब गैंग जे, बिल्कुल बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर था सबका। 15th क्वेश्चन को चेक करने की कोशिश करिए, 15th क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आएगा। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम राइट, अब बोला जा रहा है आपको राइट साइड से, ये क्या बोला जा रहा है 16, 16 कहाँ से है आपका राइट साइड से, दोनों राइट राइट है, आपका दाएं से ही बोला जा रहा है ठीक है, दाएं से बोला जा रहा है 16वें अक्षर के ठीक है, और दाएं ओर से 16वें अक्षर के, और दाएं ओर से ठीक है, तो यहाँ क्या क्या है आपका राइट, ये है, प्लस कर देंगे कितना है 16 राइट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आंसर किस में आएगा राइट में आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20 भाग में कितना आएगा 2 आएगा, तो वो कितना होगा प्यारे बच्चों 10 होगा, और 10 आपका राइट साइड से आया है ये,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा, 27 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो 27 में से आपको 10 माइनस करना पड़ेगा और J का अपोजिट क्या हो जाता है, Q। इस क्वेश्चन का आंसर Q आएगा क्योंकि ये राइट साइड से बातें कर रहा है, ये राइट साइड से बातें कर रहा है, J आंसर नहीं आएगा प्यारे बच्चे, J आंसर नहीं आएगा। J आंसर जो है वो नहीं आएगा। चलिए, राइट साइड से जब भी आंसर आए तो आपको 27 में से माइनस करना होगा हर हालत में। अब सही आंसर आ रहा है सबका। हंसिका वर्मा क्यों है, अंशु डागर क्यों है, मेंका मेरा क्यों है, नोब गैंग क्यों है, हर्ष कर्प क्यों है, शिवानी शर्मा क्यों है, संजू कौशिक क्यों है। देखो कुछ चीजें हैं कल से पहले ऐसा कोई अराजक तत्व मैसेज नहीं आ रहा था और कल ही मेरी किसी से बात हुई थी, है ना, और कल ही काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था भाई, पता नहीं कौन क्या 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 खेल खिलाते रहते हैं, बीच बीच में डिस्टरबेंस जो होती है, स्टूडेंट कभी डिस्टरबेंस करता नहीं है क्योंकि स्टूडेंट को पता है कि भाई हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, ये जितने भी जो बीच में मैसेज आते हैं आपके वो कोई और मैसेज करवाता है, कोई या तो कोई टीचर मैसेज करवाता है या फिर आप सब समझदार हो, क्योंकि भाई दिक्कत तो सबको ही होती है। बोला जा रहा है बाएं से चौथा यानी कि लेफ्ट आपका ये है, फिर लेफ्ट कितना है 17 आपका लेफ्ट है, प्लस कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 17 प्लस 4 करेंगे तो वो कितना होगा 21 होगा, 21 भाग में 2 कितना होता है 10.5 होता है डियर बच्चों, 10.5 होता है। देखो जब कभी भी आपका पॉइंट फॉर्मेशन बने तो आपको क्या करना है, एक बारी तो आपको 0.5 माइनस कर देना है, एक बारी आपको 0.5 प्लस कर देना है, या फिर ऐसा समझ लेना कि 10 है तो 10 लिख लेना और 10 में एक और जोड़ लेना 11 हो जाएगा, कि जैसे हमने इसको सोल्व किया 10.5 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो 10 हो जाएगा, ऐसे ही 10.5 में अगर हम प्लस 0.5 कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 पे आपका क्या होता है J होता है और K पे क्या होता है आपका ये होता है, तो J एंड K इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि लिखा गया था यहाँ पे है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर 11, 12 उसके बाद कितना है 13 है, फिर 14 है, फिर 15, फिर 16 और 17, तो 17 के और 4 के बीच में आपको बताना। तो यहाँ से मैं 1, 2, 3, 4 कट कर रहा हूँ, यहाँ से भी 1, 2, 3 और 4 कट कर दिए, फिर यहाँ से एक कट ये हो गया, एक कट ये हो गया, तो बीच में क्या क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, 10 और आपका 11, तो 10 पे होता है J और 11 पे क्या होता है K। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से था, काफी बच्चों के आंसर आए और लाजवाब आंसर आ रहे थे। दूसरी क्लास की दिक्कत ना लो, जब भी होगी मैं तभी आपको बता दूंगा, यहाँ पे अपने क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हैं। हाँ जी, अब क्या बोला जा रहा है, राइट बोला जा रहा है, दूसरे वाला भी आपका क्या है राइट है, तो इसमें क्या है कि बोला जा रहा है 4 राइट प्लस 17 राइट, दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे कितना आएगा 21, 21 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है आपका 10.5 आ रहा है, तो एक तो क्या आएगा आपका 10 राइट आएगा, एक आपका कितना आएगा 11 राइट आएगा। क्यों राइट आ रहा है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही राइट साइड से है। फिर क्या करना है 27 में से माइनस कर देना, जब इनको 27 में से आप माइनस करोगे 27 का यूज करना कंपल्सरी जैसा है, ठीक है, तो जे जे का अपोजिट क्या होता है क्यू यानी कि जैक क्वीन, फिर 27 में से आप 11 माइनस करोगे ये होता है के, के का अपोजिट क्या होता है पी यानी कि के पी के मूवी, तो आपका क्या आएगा क्यू आएगा और क्या आएगा पी आएगा, तो क्यू एंड पी आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा 17th क्वेश्चन का। अभी नहीं आई है बच्चे, मैथ की क्लास आते ही मैं कर दूंगा, तब तक हाई हेलो होगी वहां पे, 2-3 क्वेश्चन है वो समझ लो, अभी नहीं आई है क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे पास भी, क्योंकि एकेडमी के मेंबर हैं भाई, इस वजह से आ जाता है। चलिए, बहुत अच्छे लाजवाब आंसर आ रहा है सबका।
अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्या बोला जा रहा है कि चार बाएं हैं, फिर कितना है 15 दाएं हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है। अब आपको क्या काम करना होगा कि ये तो है ही लेफ्ट से, दूसरे वाले को और आप लेफ्ट बना लो, क्वेश्चन का आंसर जल्द सोल्व हो जाएगा। कि ये तो है आपका चार लेफ्ट, इसको भी आप लेफ्ट बना लो। इसको लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में से 15 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आपका 12। ये 12 कहाँ से हो गया, लेफ्ट साइड से हो गया, तो ये कितना हो गया, 12 लेफ्ट हो गया, क्योंकि ये ओ होता है, ओ का अपोजिट आपका एल होता है। इन दोनों को अब आप प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 12 और 4 16 होता है, 16 भाग में 2 कितना होता है 8, 8 पे क्या हो जाएगा आपका एच आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एच। मैथ की 8:30 है, हाँ जी मैथ की 8:30 क्लास है बच्चे आपकी, तो कोई नहीं, बहुत अच्छे पढ़ते रहो बस या आप तैयारी करते रहो। आप अपने क्वेश्चन है यहाँ पे कम से कम 22-23 क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हो गया है, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन और थोड़ा सा लॉजिकली है। देखो अगर राइट से आपको समझ नहीं आता या लेफ्ट है तो इसको भी आप लेफ्ट बना लो, दोनों को सेम एंड से बनाओ, इसको आप राइट मत बनाना। जैसे कि क्वेश्चन था ना आपका इस तरीके से 15 राइट था, इसको आप राइट मत बनाना क्योंकि उसमें आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। जैसे कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, इसको राइट बनाएंगे, डी का अपोजिट होता है डब्लू, ये हो जाएगा 23 राइट हो जाएगा, और वो कितना है आपका 15 कितना है राइट है, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 38 हो जाएगा, 38 को 2 से डिवाइड करना होगा, तो अब कितना होगा फिर आपका कितना आएगा 16 आएगा। अब जो 16 है, 16 जो है वो राइट साइड से आ रहा है, अब 16 का अपोजिट आपको करना पड़ेगा फिर, है ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारा लेंथी सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि लेफ्ट वाले का यूज़ करो हमेशा, ठीक है, लेफ्ट वाले का आप हमेशा यूज़ करो, तभी आपका क्वेश्चन जो है सटीक तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आएगा। हाँ जी एच आंसर था इस क्वेश्चन का सबका, बहुत अच्छे लाजवाब आंसर आया सब बच्चों का। 19th क्वेश्चन को चेक करिए, इसमें भी वही है कि एग्जैक्टली बिटवीन है, एग्जैक्टली बिटवीन है, हमने रैंकिंग में पढ़ा हुआ है, खैर मैं दोबारा भी आपको कराऊंगा लेकिन मैंने वीडियो में डाला हुआ है, वहां पे भी आपको बताया हुआ है, ये बिटवीन वाले केस जो है वहां पे भी हमने सोल्व किए हुए हैं। कि अगर मान लीजिए टोटल बच्चे 100 हैं, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं वहां पे, है ना, तो यहाँ मिक्स नहीं करेंगे। बताइए क्या बताया गया, फिर आपको बोला गया है राइट साइड से आपके 5वें पे है, फिर लेफ्ट साइड से कितना है 15 पे है, ठीक है बहुत बढ़िया। ये लेफ्ट ये राइट, तो देखो ये तो लेफ्ट है ही, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं हमें, इसको और बनाना पड़ेगा, तो 27 में से आप 5 माइनस कर दो, ई का अपोजिट होता है वी, वी कितने पे होता है भाई 22 पे होता है, इस वाले का यूज हमने कर लिया, तो इसका क्या आ जाएगा आपका हो जाएगा 22 क्या हो गया लेफ्ट। इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से आप डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत, आंसर आ जाना है आपका तुरंत, ठीक है। तो 5 और 2 कितना हो गया आपका 7, और ये कितना हो गया 37, 37 भाग में 2, तो 18 दुनी होता है आपका, 18 दुनी 36 होता है, ठीक है, 19 दुनी 38 होता है, 36 यानी कि 18, तो आपका कितना आ रहा है 18.5 आ रहा है बच्चे। तो 18.5 का मतलब क्या है, एक तो 18 आंसर है, एक आंसर 19 है, एक आंसर आपका R है और एक आंसर आपका क्या है S है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बहुत बच्चों का आंसर आया लाजवाब आंसर था, हाँ जी 19 होता है 38 भाग में 2, बिल्कुल समझ रहे हैं सबके सब, है ना, सबके सब जो है समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको चेक करो क्या आंसर आएगा, 6 to the right of 4 to the left, अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है देखो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कैसे सोल्व करना है, इसमें भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। राइट साइड से कितना है 6 है, अब क्या बोला गया है आपसे, बोला गया है कि 6 राइट बोला गया है,
फिर बोला गया है उसके चार दाएं, ठीक है भाई, उसके चार दाएं। फिर लिख देते हैं वर्णमाला में दाएं से छठवें अक्षर के बाएं, बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ये लेफ्ट है आपका, ये आपका लेफ्ट है। उसके बाद क्या है, दाएं छठवां अक्षर, दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। इंग्लिश में हम कैसे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे आखिरी से, यहां से पढ़ना है आपको इंग्लिश में हमेशा। राइट साइड से कितना है, राइट साइड से है सिक्स, ये आपकी पहली बात थी, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। फिर बीच में क्या है, फोर, लेफ्ट है फोर, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर आपका लिखा हुआ है सिक्स राइट, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो पेयर टू पेयर फॉर्मेशन सोल्व करते रहो डियर स्टूडेंट, यहाँ से सोल्व करेंगे। यहाँ पे राइट आ रहा है, आपको राइट उतार लेना है ऐसे के ऐसे। फिर यहाँ छ है और ये चार है, तो टोटल कितना हो गया आपका, टेन हो गया। अब ये पेयर बन गया, अब इस पेयर को और इस पेयर को सोल्व कर लो, आंसर किस में आ रहा है आपका, राइट में आ रहा है। अब फाइनल एक बच गया है, तो आपकी मर्जी, अब यहाँ पे आप 27 में से माइनस कर लो, या आपकी तो आपकी मर्जी थी, आप यहाँ 27 में से माइनस कर लेते तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो ये राइट है, ये राइट है, 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा आपका, 4 होगा। 27 में से 4 चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 23, 23 यानी कि W इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अगर स्टार्टिंग में आप 27 से माइनस करते तो वो भी सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस तरीके से था तो यहाँ राइट है, तो 27 में से माइनस करेंगे भाई, 6 और 4 कितना हो जाता है, 10 होता है, ठीक है, 6 और 4 10 होता है, तो 6 और 4 10 है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, जे का अपोजिट होता है क्यों, यानी कि 17। अब ये 17 क्या हो गया है बच्चे, लेफ्ट हो गया है। अब ये लेफ्ट और ये राइट, अब ऐसे चलेगा आपका, लेफ्ट और राइट हो जाएगा प्लस, लेफ्ट और राइट हो जाएगा प्लस, लेकिन आंसर किस में रहेगा, लेफ्ट में। तो 23 लेफ्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, W, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, W। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21, दाएं 12, बाएं 5, दाएं 9। इंग्लिश में आखिरी से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है, कितना लिखना है, 12 लिखना है, 12 लिख दिया गया। फिर बोला गया है 5 टू द लेफ्ट, ठीक है, 5 टू द लेफ्ट लिख दिया। फिर 9 टू द राइट लिखना है, 9 टू द राइट लिख दिया, ऐसे ही लिखना है, ऐसा ही मैंने आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ऐसे ही है। हाँ जी आकाश डागर, लॉक कर दिया है भाई आपका आंसर, बिल्कुल लॉक कर दिया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सोल्व करना है, जैसे कि यहाँ राइट लिखा है ना, तो यही राइट आपको यहाँ नीचे उतार लेना है बस, 27 में लास्ट से माइनस कर लेना, सबसे आखिर में माइनस कर लेना। तो ये राइट है ये लेफ्ट है, दोनों को प्लस कर दो, 12 और 15 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 17 हो जाएगा। अब आपका पेयर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये राइट ये राइट, तो देखो ये वाला जो राइट है ना, यही राइट आपका यहाँ पे उतरेगा। जब राइट आएगा तो अब आप 27 में से माइनस कर लो, एक ही बार माइनस करना है बस। तो 17 में से आपको 9 माइनस करना होगा, वो कितना होगा, 8 होगा, एच का अपोजिट होता है एस, यानी कि 19 नंबर पे आंसर हो गया। बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर, नोब गैंग एस है, भावना एस आंसर है, मोहित डागर एस आंसर है, संजू कौशिक। देखो बच्चे यही काम करना है कि बस आपको ये पेयर बना लेना है और कोई काम नहीं करना है, सब पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद जो राइट यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ लिखा होगा, जो भी यहाँ लिखा होगा उसको यहाँ नीचे लिख देना है, फिर आपको सोल्व कर लेना राइट हो या लेफ्ट हो। फिर इसका पेयर इसके साथ बनेगा, फिर दोबारा से जो यहाँ लिखा ना वही आपको यहाँ लिख लेना है, बस इस तरीके से आपको सोल्व करना है इन क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन, 22 है, फिर 23 और 24, दो क्वेश्चन और बचते हैं हमारे, मेरे ख्याल में ये लास्ट ही है। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है ये, 22वां लास्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 10 लेफ्ट है, फिर आपका कितना है 5 राइट है, और कितना है आपका 9 राइट है। सोल्व करेंगे, आंसर किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा। 10 प्लस 5 कितना होगा, 15 होगा। देखो ये वाला लेफ्ट था तो हमने क्या उतारा, लेफ्ट। अब आगे पेयर बनेगा आपका ये, तो हम इसे लेफ्ट ही लिखेंगे। ये 15 है और ये 9 है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 15 और 9 आपका कितना होता है, 24 होता है। 24 लेफ्ट पे क्या हो जाएगा, x। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्या,
या तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ मैंने कर दी होगी। ठीक है, तो ये बाएं है, बिल्कुल सही है, 10 लेफ्ट है। बाकी बच्चों का भी सही आंसर आ रहा है। देखो ये 10 है, 10 और 5 कितना होता है, 15 होता है। लेफ्ट से आपका यही है, राइट से आपका कितना है, राइट से आपका 5 है, और राइट से आपका कितना है, 8 है। ऑप्शन में गलती कर रखी है बस। ये 10 है, 10 और 5 15 लेफ्ट होता है। ठीक है, ये 15 लेफ्ट और ये राइट। भाई 15 और 9 कितना होता है, 24 होता है, और 24 पे तो x होता है, आंसर तो x आना चाहिए हमारा। 21 क्वेश्चन में सर 19 राइट से है, चेक करते हैं भाई। सर इंग्लिश और हिंदी में अलग है? हाँ जी, इंग्लिश हिंदी में अलग है। इंग्लिश में तो क्या है, इंग्लिश में आपको लास्ट से पढ़ना होगा, इंग्लिश में तो आपको हमेशा आखिरी से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे लिखना होगा फिर आपको कि यहाँ इसने लिखा है 10 लेफ्ट लिखा है तो 10 लेफ्ट लिख दिया, फिर इंग्लिश में आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आखिरी से ही। फिर इसने ये लिखा तो आप लिख दो यहाँ पे 5 राइट लिख दो, फिर आखिरी में क्या लिखा है, उसने 8 राइट लिखा है, अब आप 8 राइट लिख दो इस तरीके से। अब पेयर फॉर्मेशन बनाते चले जाओ, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट ही आएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 लेफ्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर लो आप, ये लेफ्ट है तो आपका लेफ्ट ही रहेगा। अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग था। हाँ जी, तो 15 और 8 को जोड़ेंगे, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा 23, तो 23 लेफ्ट पे क्या होता है, W। ये हिंदी वालों का आंसर था, ये इंग्लिश वालों का आंसर है। इंग्लिश में आंसर W है, हिंदी में आंसर जो है वो X है। बिल्कुल सही आंसर था सबका। तो यही अपनी क्लास थी आज की, आज की क्लास अपनी समाप्त होती है। या फिर आप एक क्वेश्चन और करना चाहो तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि अगर मैंने लिखा 10 राइट 5 लेफ्ट, उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे 8 राइट 4 लेफ्ट, 4 वाला पेयर बना करके क्वेश्चन करना है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपनी क्लास समाप्त होती है। फिर हम कल मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, अब तक हमने A to Z केवल ये पहली टाइप ही समझी है, और पहली टाइप में मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। कल आपकी कम से कम आपकी 5 टाइप तक तो खत्म हो ही जाएगा, इसका रिवर्स खत्म हो जाएगा, Z to A साथ के साथ सोल्व भी करते रहो। फिर आपका जो फर्स्ट हाफ है वो रिवर्स हो जाएगा, सेकेंड हाफ जो है वो रिवर्स हो जाएगा, बोथ हाफ रिवर्स, इतना सारा सब आपका खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, फिर आपका इवन वाला बचेगा, ओड वाला बचेगा, और जो 8 टाइप है वो बचेगी, वो परसों वाली क्लास में आपकी समाप्त हो पाएगी। थैंक यू ऑल। बस आंसर बता तेरो लास्ट वाले का क्या बनेगा, पी आंसर आ रहा है, चलिए चेक करते हैं, पी आंसर आ रहा है। ये दोनों आएंगे कि राइट से आपका आंसर आएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को चेक करो, आंसर किस में आना है, राइट में, क्योंकि ये राइट लिखा था तो अपना आंसर राइट में आना है। भाई 15 और 8 राइट राइट है तो आपका क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा तो कितना आएगा, 7 राइट आएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट है तो आपका राइट में ही आंसर आएगा, तो राइट में आएगा तो 27 में से माइनस करेंगे, ये राइट है, ये आपका लेफ्ट है। 7 और 4 कितना होता है, 11। के का अपोजिट क्या होता है, पी, वो बिल्कुल सही था, और वो आंसर पहले सबसे पहले आया था भावना का, उसके बाद में मंजी डागर क्यू, थोड़ा सा गलत लिख दिया, उसके बाद में आकाश डागर W, नहीं भाई मोई डागर पी, आंसर बिल्कुल सही, नोब गैंग पी बिल्कुल सही, थैंक्स वेलकम डियर वेलकम, अंशु डागर W नहीं है बच्चे, पी आंसर आएगा, पी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू ऑल। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में शार्प 7 o'clock, 7:05 हो ही जाता है कहीं ना कहीं जा करके, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि 7 बजे हो ही हो स्टार्ट। चलिए कल मिलते हैं, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, चॉकलेट वाली स्वीट ड्रीम नहीं है, पढ़ने वाली स्वीट ड्रीम है, सबका आंसर पी है, बहुत अच्छे लाजवाब आंसर आया सबका।